छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, 2000 का नोट खपाने वालों की सराफा मार्केट में होड़। लोगों ने महंगे दामों में खरीदे सोना चांदी। भले ही 2000 रुपये का नोट बदलने के लिए सितंबर तक समय दिया गया है, लेकिन इस खबर के आने के बाद बाजार में थोड़ी हलचल रही। बताया जा रहा है कि विशेषकर सराफा बाजार में ज्यादा हलचल देखने को मिली। प्रदेश के रायपुर, दुर्ग आदि क्षेत्रों में 2000 का नोट खपाने के लिए सराफा बाजार में सोना 70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से और चांदी 80,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकी। बाजार सूत्रों का कहना है कि इस खरीदारी में खरीदारों को सीधे ही माल सप्लाई हो गया। इधर जैसे ही शुक्रवार को बाजार से 2000 रुपये के नोट चलन से बाहर होने की खबर आई, सराफा बाजार में इसका प्रभाव देखने को मिला और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सटोरिये पूरी तरह से सक्रिय हो गए। इसका असर यह हुआ कि शुक्रवार शाम तक सोना जो 62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था, शुक्रवार रात 9 बजे तक वो 62,900 रुपये प्रति 10 ग्राम स्टैंडर्ड हो गया। इसी प्रकार चांदी भी की कीमत भी 74,000 रुपये प्रति किलो रही। 2000 के नोट चलन से बाहर की खबर का आम लोगों में विशेष प्रभाव नहीं रहा। आम लोगों द्वारा शनिवार को विभिन्न कैश डिपॉजिट मशीन और बैंक जाकर 2000 के नोट जमा किए गए, लेकिन लोगों में किसी भी प्रकार से जल्दबाजी या बैंकों व एटीएम में भीड़ नहीं रही। इसका एक कारण ये भी रहा कि 2000 के नोट जमा करने 4 महीने का समय है, लोगों में किसी भी प्रकार से भय का माहौल नहीं है। व्यापारियों का कहना है कि 2000 के नोट का लेन देन अभी जारी रहेगा। इन्हें बैंकों में जमा करने के लिए सितंबर तक का समय है, इसलिए आम लोगों को किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। चेंबर अध्यक्ष अमर पारवानी ने कहा कि लोगों को किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, सितंबर तक का समय है, अभी 2000 के नोट का लेन देन जारी रहेगा। पंडरी कपड़ा व्यवसायी संघ के पूर्व अध्यक्ष सुशील अग्रवाल ने कहा कि बाजार में 2000 के नोट का चलन वैसे ही कम हो गया, बाजार में अभी चलन जारी रहेगा। रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हर्ष मालू ने कहा कि लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है।